उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं जनता भी अब इस ओर अपनी राय दे रही है कि इस बार विकास करने वाला ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। मुरादाबाद के कुंदरकी नगर विधानसभा क्षेत्र के काजीपुरा में ग्रामवासियों ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री वह होना चाहिए जो जाति धर्म से हटकर विकास के बारे में सोचे। हमारे क्षेत्र का विधायक भी ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने के बारे में सोचे और क्षेत्र को विकास की ओर आगे बढ़ाए और हर समस्या का समाधान करे। हमारी उम्मीद रहेगी कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो हमारे क्षेत्र की हर समस्या को बखूबी तरीके से समझ सके। इस दौरान सिटी चैनल से बात करते हुए ग्रामवासियों ने कहा, देखो जो विकास करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। पहले तो विकास नाम की कोई चीज़ें ना थी, मगर अब जो है जनता चाहती है उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए, जातिवाद पे कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये जनता चाहती है। आप भी प्रधान रह चुके हैं, आपके क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सदस्य रह चुका हूँ और हमारा तो यहाँ तो समीकरण जो है इधर का 29 उधर की विधानसभा का जो समीकरण है वो अक्सर ज़्यादातर क्या मैं कांग्रेस के पक्ष में और समाजवादी के पक्ष में ज़्यादा है। इलेक्शन का माहौल जो है वो बहुत अजीब गरीब चल रहा, ऐसा चल रहा है कि कुछ अभी समझ में नहीं आ रही, मगर हम समाजवादी और कांग्रेस में इनका जोर शोर ज़्यादा है, जोर शोर दोनों पार्टियों में ज़्यादा टकरा रहा। इस बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? अब इस बार तो मुख्यमंत्री साहब जो कारोबार अच्छा चलाएगा, या रोड टूटे पड़े हैं, डिंगरपुर रोड टूटा पड़ा और भी गंदे गंदे रोड पड़े हैं, जो काम अच्छा करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। वैसे इस बार जो है कांग्रेस और उसकी है सपा की लहर है और कांग्रेस